राजधानी के चिनहट थाना क्षेत्र में सरिता विहार कॉलोनी में मंगलवार को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के टैंक में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मासूम की मौत से परिवार व स्थानीय लोगों में गम का माहौल है। अरे हमार बच्चा हो, हमार बच्चा हो, हमार बच्चा हो। आपको बता दें कि सरिता विहार कॉलोनी में एक अर्धनिर्मित मकान में बने सीवर टैंक के खुले मेन होल ने मासूम शिवांगी की जान ले ली। मृतक की पहचान शिवांगी दुबे पुत्र विपिन दुबे निवासी सरिता विहार कॉलोनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 2 साल की मासूम शिवांगी का कल जन्मदिन मनाया जाना था। 2 साल की बच्ची कल उसका जन्मदिन था, उसी के जन्मदिन के माँ बाप तैयारी कर रहे थे, सारी चीज़ बुक हो गई थी, बगल में टैंक खुला होने के नाते गिर गई। अगर वो टैंक बंद होता तो उस बच्ची की जान बच सकती थी। जन्मदिन मनाने से पहले ही मासूम की खुले सीवर के पानी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डर व नगर निगम की लापरवाही के चलते मासूम बच्ची की मौत हो गई है। कंस्ट्रक्शन मालिक जो हैं प्रदीप कुमार पाठक, त्रियाक्षा बिल्डर्स के मालिक, उनसे कहा कि उसको इग्नोर करते हुए, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि ढक्कन, 2 ढक्कन पड़े हुए, 20 तक क्यों नहीं पड़ा हुआ है, उसको इग्नोर किया उन्होंने। उसके बावजूद अगर उसमें आज पानी ना भरा होता, उसका पानी का जमाव ना होता तो काश वो आज बच जाती। पानी के जमाव कारण डूब के उसमें एक्सपायर कर गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस द्वारा इस मामले की कितनी विधिवत कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय मीडिया।